हेलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.22 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज. फिगर 2.32 शोज अ चार्ज एरे नोन एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ क्वाड्रपोल. ऑब्टेन द डिपेंडेंसी ऑफ पोटेंशियल ऑन आर. आर आर बाय ए इज ग्रेटर देन 1 एंड कॉन्ट्रास्ट योर रिजल्ट विद दैट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक मोनोपोल. मोनोपोल मीन्स द सिंगल चार्ज. अब देखो, इसे हमने मान लिया ए पॉइंट, इसे मान लिया बी पॉइंट. दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट सी. ये सब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पर कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. सो वी पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए की वजह से पी पर पोटेंशियल, सी की वजह से पी पर पोटेंशियल, बी की वजह से. तो ए की वजह से कितना होगा के क्यू बाय डिस्टेंस कितनी होगी आर प्लस दिस इज ए. तो आर प्लस ए इज द डिस्टेंस. एंड सी की वजह से कैसा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा क्योंकि ये माइनस टू क्यू है. सो दिस विल बिकम के माइनस के टू क्यू अपॉन आर. दिस इज डिस्टेंस आर. एंड बी पॉइंट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है. दिस विल बिकम के क्यू बाय आर माइनस एल. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, के क्यू को कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 बाय आर प्लस ए माइनस 2 बाय आर प्लस 1 बाय आर माइनस ए. ये एल नहीं है, आर माइनस ए है, आर माइनस ए. एलसीएम लेके अब आगे इक्वेशन सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. अब देखो, पी पॉइंट पर पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, के क्यू हमने कॉमन ले लिया है के क्यू. इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए इंटू आर. ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर माइनस ए इंटू आर माइनस टू आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए. यहाँ पे आ जाएगा प्लस आर प्लस ए इंटू आर. सो फर्दर हम इस क्वेश्चन को आगे कैलकुलेट करें. अब सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का पार्ट बचा है जो कि होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए आर. दिस विल बिकम ए स्क्वायर आर प्लस ए आर माइनस बी. तो ये किसका फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो हो जाएगा हमारे पास माइनस टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और ये हो जाएगा हमारे पास टू आर सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए आर. ये नीचे जो है हमारे पास ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा. तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर. फर्दर इसे कैलकुलेट करेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस टू आर स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए आर. सो ये ए आर से वाला ए आर कैंसिल आउट हो गया. ये प्लस आर स्क्वायर, ये भी प्लस ए आर स्क्वायर. तो ये और ये तीनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर. अब इसे फर्दर यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू हो जाएगा टू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप इंटू आर. अब ये हमने यहाँ से क्या किया, ये वी पी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं हम. तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया. अब इसकी आर की मल्टीप्लाई कर दें अंदर के क्यू टू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यू माइनस आर ए स्क्वायर यहाँ पे, या फिर ये यहाँ पे आर स्क्वायर के टर्म कॉमन ले लो. वी पी इज इक्वल टू के क्यू टू ए स्क्वायर. ये ऑलरेडी आर है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर क्यूब हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर.
ये टर्म हमें पहले ही उन्होंने बोल दिया इट इज लेस इट इज वेरी ग्रेटर देन वन, तो हम इसे कितना कंसीडर कर लेंगे, नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेंगे, तो ये वी पी की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय 2a बाय आर क्यू, जो बेसिकली पोटेंशियल है वो r पे कैसे डिपेंड कर रहा है, 3 की पावर वी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि वी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। अब हम डाइपोल के बारे में जानते हैं, डाइपोल का पोटेंशियल कितना होता है, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर डाइपोल के बारे में ये है, क्वाड्रपोल के बारे में ये, तो मोनोपोल के बारे में कितना होगा, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, होपफुली समझ आया होगा। थैंक यू।